मॉर्निंग एवरीवन। इस वीक में जो हम एक्टिविटी करेंगे वो है बर्ड्स पेंटिंग। ये देखिए मैंने बर्ड्स लिए हैं बहुत सारे। फिर इसको हम क्या करेंगे, रबड़ की हेल्प से इसको सेंटर से इस तरह से, मैंने 8 बर्ड्स लिए हैं। इसको मैंने, ये देखिए रबड़ की हेल्प से इसको मैंने टाई कर लिया। और हमने ये ट्री है, ट्री के जो हमने फ्लावर्स बनाने, इसके लिए मैंने ये देखिए एक प्लेट में ऑरेंज कलर का वाटर कलर यूज करेंगे। इसको मैंने एक प्लेट में डाल के रख लिया है। और ये जो हमारा बर्ड का बंडल बनाया हमने 8 बर्ड्स का, इसको इसके अंदर इस तरह से डिप करेंगे। हमारे बर्ड्स के ऊपर ऑरेंज कलर लग गया है। अभी हम इसकी हेल्प से फ्लावर्स बनाएं। ये देखिए इसको एक जगह हम इस तरह से, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो हमारे कितने सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स बन गए। इसी तरह से हम दोबारा अपने बर्ड्स को इसके अंदर डिप करेंगे। और इस तरह से जो बाकी हमारी ट्री है इसकी फ्लावर्स बनाएंगे। इसको हमने हल्के हाथों से लगाना है। और जब हमें लग रहा है कि हमारे फ्लावर्स नहीं बन रहे तो हमने दोबारा से इसे कलर के अंदर डिप करेंगे। और जो हमारा बाकी का पोर्शन है, जिस तरह के आप बंचेस बनाना चाहते हो उसे बना सकते हैं। ये देखिए कितने इजीली हमारा जो ये ट्री है इसके फ्लावर्स बन रहे। ये सारी एक्टिविटीज हम इसलिए कराते हैं ताकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी स्किल है उसको हम डेवलप कर सकें। कि घर में हमारे कितनी सारी चीजें होती हैं, हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करके कोई भी एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकते हैं। ये देखिए छोटे बच्चे कितना एंजॉय करेंगे बर्ड पेंटिंग को। देखिए कितने आसानी से और कितने इजीली हमने ये अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। आप भी इसे अपने बच्चों को जरूर ये करवाएं ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी स्किल को डेवलप कर सके। थैंक यू।